Hey, hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy Arshad Said and you are watching Arshad Vlogs. तो हाँ, आज जैसे आपने thumbnail और title पे देखा, ये एक दिन में वीडियो नहीं बना, दो तीन दिन में बनेगा. और बेसिकली इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ हजाई में कितने जगह खाने के लिए. तो आज एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, कल और एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, परसों और एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाते ही रहूंगा. और आप लोग को ये बताऊंगा ना कि कौन से रेस्टोरेंट पे क्या खाना बेस्ट मिलेगा, बेस्ट अफोर्डेबल खाना विद बेस्ट टेस्ट इन हजाई. तो हम लोग जाएंगे टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन हजाई, 5 सबसे इम्पोर्टेंट रेस्टोरेंट्स जो हजाई में लोग जाते हैं और मज़ेदार खाने का लुफ्त उठाते हैं. ऐसे तो बिल्कुल नहीं जा सकता, फट से चेंज कर लेता हूँ. और चेंज करने के बाद अभी फट से निकल जाता हूँ. और मैंने अपने एक भाई, कज़िन, दोस्त उनको भी बुलाया ताकि रिव्यू जो करें ना खाने का, दोनों मिलके डिस्कस करेंगे और एक सही सा रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाएंगे. और हाँ, दिस इज़ द डे 1 ऑफ आवर शूट. डे 2, डे 3, डे 4, हर एक चीज़ आएगा, क्योंकि आपको तो पता है हर एक चीज़ आएगा. और आपका ये भाई, आपका ये व्लॉगर आप लोग के साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि आपको तो पता है भाई AV के साथ जो भी होता है आप लोग के साथ जरूर शेयर करता है. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में. और ये मैंने ड्रेसअप कर लिया, चेंज कर लिया और अभी हम लोग निकलने वाले हैं. तो मेनली एक चीज़ है ना, जिन जगहों में जाके खाना चाहता हूँ उन जगहों में जाके अगर मतलब मैं ट्रेवल करके ना जाऊँ तो खाना मेरे घर पे नहीं आएंगे. तो ये है डे 1 शूट स्टार्ट. हम लोग जाएंगे एक जगह में, और क्योंकि मैंने इतना मतलब ठंडे का कपड़ा इसलिए पहना क्योंकि आज हजाई में 17 डिग्री देख सकते हो, और 17 डिग्री में खाने का मजा अलग ही आएगा. तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हजाई के सबसे एक फेमस रेस्टोरेंट, होटल आईमा बॉम्बे. तो उसमें क्या है ना, पूरा स्ट्रीट फूड, चाइनीज फूड और कॉन्टिनेंटल अलग अलग फूड मिल जाते, तो वो हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं. लेट्स गो, लेट्स ट्राई, दिस इज डे 1 ऑफ शूट, लेट्स गो. So guys, this is the restaurant that I was talking about. This is in Hojai, main center of Hojai, main road. और इसका नाम है होटल आईमा बॉम्बे. देख सकते हो, वेरी स्पेशियस एंड they've got a वेरी बिग aquarium. तो मतलब अगर खाने में कोई डिले हो, खाने में लेट हो, तो बस मच्छी देखो, एंजॉय करो. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे. और आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, हिल कम एंड विल डेफिनेटली ऑर्डर समथिंग जो शायद से यहाँ का बेस्ट हो जाए का. लेट्स सी, लेट्स ट्राई, आई विल गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू, क्योंकि आपको तो पता है भाई AV के साथ जो भी होता है ना आप लोग के साथ जरूर शेयर करता है. सो गाइज, एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही मजेदार चीज होता है. जब ऐसे रेस्टोरेंट्स पे आते हैं, तो जैसे ही ये रेस्टोरेंट को उन्होंने देखा मैं यहाँ पे आया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कुछ ट्राई करने के लिए दिया. हैपेंस व्हेन यू आर अ ब्लॉगर, आई मीन स्पेशली व्हेन यू आर फूड ब्लॉगर और अलग अलग जगह पे खाने जाओ तो ऐसे गिफ्ट मिलते रहते. चीज़. तो भाई खाते खाते अभी आ गए हमारे दोस्त, और लेट्स मीट. हाय ब्रो, व्हाट्स अप, वेलकम ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग. वेलकम ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग. अभी हम लोग क्या है ना, अलग अलग आइटम यहाँ पे ट्राई करेंगे एंड वी आर गोना गिव अ परफेक्ट रिव्यू. लेट्स स्टार्ट विद दिस बिरयानी. ये पता नहीं बिरयानी नहीं, पुलाव है. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट, ट्राई करके देखते हैं. इस पुलाव में क्या आपको अलग लगा? हमारे घर जैसा ही है, वेजिटेबल्स है, थोड़े इसमें काजू है, ड्राई फ्रूट्स है, और थोड़ा घी वगैरह, घी वगैरह है. ये जो पुलाव है इसका USP यही है कि इसमें घी डाला. तो जनरली आप हजाई में कोई भी रेस्टोरेंट पे जाओ शायद ही आपको घी मिले पुलाव में. सो दैट वुड बी ऑफ अ वेरी बिजनेस माइंड की घी ना डालो इसमें, थोड़ा कोस्ट कटिंग करो. वो आईमा पहले से मतलब वो फ्लेवर पे ऊपर पूरा ध्यान रहता है उनका, और वो खाने में वो अपना 100% देते हैं. तो जायका लेवल इज 100. लेट्स वेट एंड लेट्स टेक आवर प्लेस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो यस गर्ल्स एंड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, बस खाने का इंतजार कर रहे थे. मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, यहाँ पे आके मैंने वो जो रेस्टोरेंट ओनर है उनको बताया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ एक फूड ब्लॉग, तो मुझे क्या ऑर्डर करना बेस्ट रहेगा यहाँ पे, मतलब क्या बेस्ट होगा आपके रेस्टोरेंट का. तो उसने बोला भाई आप मुझे कुछ मत बताओ, आई विल प्रिपेयर समथिंग ऑफ माई ओन एंड आई लेट यू नो, बाद में आप बस टेस्ट करना और रिव्यू देना. दिस इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग. अभी कुछ सरप्राइजेस हमें मिलेंगे, मुझे भी पता नहीं क्या आ रहा है, बट जो एक्साइटेड, तो भाई भी एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ. इट्स लाइक ए किंडर जॉय के अंदर जो बच्चे रहते हैं ना, किंडर जॉय उनको गिफ्ट करते तो अंदर में टॉय रहता है, काइंड ऑफ दैट फीलिंग, वेरी मच सरप्राइजिंग एंड एक्साइटेड भी है. लेट्स वेट एंड वॉच, जो भी होता है आप लोग को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है भाई AV के साथ जो भी होता है आप लोग के साथ जरूर शेयर करता है. So guys,
ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है चाइनीज आइटम से, मतलब बहुत ही हाइप बना के रखा था क्या हमें मिलने वाला है। लिटरली कोई भी क्लू नहीं था कि ये इंडियन आ रहा है, कंटिनेंटल आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो फाइनली ये चाइनीज से हमने स्टार्ट किया है। तो अभी ये भाई बताएंगे कि ये पे क्या क्या दिया गया है। ये आपको लॉलीपॉप मसाला, फ्राइड राइस हो गया, मलाई कबाब पहाड़ी कबाब, तंगड़ी कबाब, ये आपका बटर गार्लिक चिकन। ये ना, ये आइलैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये जो थोड़ा प्लेट टाइप का कुछ। ये कौन से चीज से बनाएगा? ये स्प्रिंग अनियन। ओके, स्प्रिंग अनियन, वाओ, इट्स लुकिंग फैबुलस। भी हम लोग इसको खाएंगे, ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे। हाँ, और एक चीज आ गया हमारा, ये देख सकते हो, बटर गार्लिक। मतलब भाई आज ना खत्म है। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, इससे स्टार्ट करें आप भाई, इतने सारे आइटम है क्या। सो हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चिकन लॉलीपॉप। और चिकन लॉलीपॉप हमारा फेवरेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट्स नाइस, जैसे टिपिकल हर रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही है, अच्छा है। इंडिया में आपको काफी वैरायटी के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, एक एवरेज, एक बिलो एवरेज। तो आई थिंक इट डिजर्व्स अपर एवरेज, या अपर एवरेज, आई विल गिव इट लाइक 8/10। तो इसको अभी हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट लेट्स गो विद दिस वन। ये क्या है? ये बटर गार्लिक चिकन। इसमें बहुत ही अच्छे से ये स्प्रिंग अनियन। तो ये आपका बटर गार्लिक, ये क्या है? ये बटर गार्लिक चिकन है, बटर गार्लिक चिकन। और इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस भी दिया गया है। तो बहुत ही एक अच्छे से वो प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन को मैं 8/10 में 8 दे देता हूँ। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ इस रेस्टोरेंट में, मे बी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो लेट्स ट्राई। परफेक्टली दिया गया है। और जो स्मेल आ रहा है ना, ट्रेमेंडस। थोड़ा नींबू दिया गया है क्योंकि हम इंडियंस को हर खाने में नींबू चाहिए रहता है। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं मलाई वाला। इट लुक्स डिलीशियस ब्रो, इट लुक्स डिलीशियस। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो क्रीम पूरा डाला हुआ है। ये इसलिए नहीं कि हम लोग वीडियो बना रहे और इसलिए स्पेशली क्रीम डाला हुआ है, नॉर्मली यहाँ पे क्रीम डाला जाता है। क्रीम भी है और बटर भी है। बटर भी दिख रहा है इसमें। इट्स वेरी टेंडर, नाइस, बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में जाके घुल रहा है। माउथ वाटरिंग कसम से, अभी तक का मुझे ये बेस्ट लगा। मुझे भी सबसे अच्छा लगा। तो अभी हम लोग ये ट्राई करते हैं ना, तंगड़ी कबाब। या रुको रुको रुको, ये इनकम्प्लीट है भाई। अभी वो करो, लाइक सॉल्ट भी, लाइक सॉल्ट भी, मेरा स्वेटर खराब हो जाएगा। तो हमने इसमें डाला थोड़ा नींबू, क्योंकि इंडियंस को नींबू जरूरी होता है। The spice fusion that I felt is nice. वो spicy fusion आपको देखने को मिला। यार हम लोग बाबी क्यों नेशन में जाके क्यों खा रहे हैं? यहीं पे सब कुछ मिलता है हम लोग। Exactly, ये वहाँ पे starters में मिल जाता है। हाँ, वही सेम है। और ये थोड़ा बेटर है वहाँ से। Exactly, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा नहीं, मुझे तो काफी बेटर लग रहा है। Yes, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। Properly barbecued, properly cooked है। Like you can see, मसाले excellent। Last but not the least, अभी हम लोग ट्राई करेंगे ये फ्राइड राइस। Let's see How it is? Fried rice का क्या ही टेस्ट होगा? मुझे लग रहा है एवरेज होगा। देखो अर्शद, मैं तुमको खाने से पहले मैं तुमको बता रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं, इसमें स्प्रिंग अनियंस डाला गया है और इसमें और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे खासे दिए हुए। अच्छा खासा इसमें आएगा फ्लेवर, बहुत अच्छा आएगा। फ्राइड राइस में ये मैटर करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाला जाता है। काफी रेस्टोरेंट्स में क्या होता है ना, कोस्ट कटिंग के लिए कुछ चीजें नहीं डाला जाता, व्हिच मेक्स द फ्राइड राइस वेरी बोरिंग। फ्राइड राइस इज वेरी हैपनिंग, एटलीस्ट देखने में तो अच्छा लग रहा है बहुत। इट इज रियली नाइस, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो काफी सारी चीजों के साथ इसको गार्निश किया गया है, जिसने फ्राइड राइस को डबल टेस्ट बना दिया। तो ये आ चुका है हमारा इंडियन प्लेटर, और पूरा देख सकते हो प्लेट्स वगैरह भी क्लीन्ड अप है अभी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे भाई ने नोटिस किया, ऑयल बहुत ज्यादा। अभी लेट्स सी, ये आ चुका है हमारा बटर गार्लिक नन। भाई आप बताओगे इसमें क्या क्या है? ये है हमारा धनिया चिकन है, धनिया चिकन है, ये मुगलाई चिकन है, ये मुगलाई चिकन, और एक तो चिकन का वो प्लेट है, वो भाई का स्पेशल। अच्छा, ये स्पेशल है, मतलब इसका नाम भी ये स्पेशल नाम नहीं है। बस ट्राई करेंगे हम लोग और एक अच्छा सा फिर रिव्यू देंगे। नींबू इज वेरी एसेंशियल, वो सस्ता सोल्ड में बनने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी हाँ, यहाँ पे तीन चीजें हमें सर्व किया गया है, नाम मैं भूल गया। धनिया चिकन है, मुगलाई चिकन है, हाँ ये भाई का स्पेशल है, मतलब शेफ स्पेशल है। तो अभी हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, टेस्ट तो बहुत ही इसका नॉर्मल है, एवरेज, मतलब एवरेज है। और चिकन काफी टेंडर है, चिकन टेंडर है और ठीक है, मतलब ठीक है। तो दूसरा हम लोग ये ट्राई करते हैं ना, कुछ मलाई टाइप का लग रहा है ये, खा के ये थोड़ा टेस्टी लग रहा है। लेट्स सी, एक चीज है ना, आइटम तीनों ही चिकन का है लेकिन टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है वो अभी हम लोग वो देखेंगे। पहला वाला थोड़ा चाइनीज टाइप का था, थोड़ा चाइनीज टाइप का था, ये तो वही मलाई टिक्का जैसा हो गया। हाँ, स्वीटिश टेस्ट आ रहा है आपको, वो स्वीट अनियन टेस्ट आ रहा है। ये मुझे मलाई टिक्का का एक वर्जन लग रहा है, एक वर्जन लग रहा है, थोड़ा अपग्रेडेड ग्रेवी डाल दिया, ग्रेवी डाल दिया। और थर्ड है हमारा ये जो हरियाली टाइप, हरियाली टाइप का लग रहा है, मतलब उसी का ग्रेवी, उसी का ग्रेवी एडिशन। यस, ग्रेवी एडिशन, देखते कुछ डिफरेंट मिलता है कि कुछ डिफरेंट मिल जाएगा। लेट्स ट्राई, सेम ही जो हमने कबाब खाया था लेकिन इसमें ग्रेवी ऐड कर दिया। तो अभी इन तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा? इन तीनों में से आई वुड रिकमेंड दिस वन एंड दिस वन, मुझे लगा पर्सनली ये। हां, ये भी। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे तब का जब हरियाली कबाब था वो लास्ट में आया था नंबर में। यस, लेकिन इसके काउंट पे ये फर्स्ट आ रहा है हरियाली वाला, मतलब
फर्स्ट सेकंड में आ रहा है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो ग्रीन्स है उसका क्वांटिटी ज्यादा जो ग्रेवी के तौर पे दे दिया है यहाँ पे, तो इसलिए इसका फ्लेवर और ज्यादा एनहांस हो गया। तो ग्रीन्स जब डालते हैं तो फ्लेवर एनहांस होता है, इसमें ग्रेवी जो है वो थोड़ा ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो प्लेटर में इसका फ्लेवर जो है वो एनहांस हो गया, इसीलिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इफ यू टेल मी कि ये आपको खाना चाहिए या वो वाला, आपके ऊपर है, क्योंकि आपको जो पसंद है वो खाना है आपको। यस, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, खाना बहुत अच्छा है, लजीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब अच्छे हैं, 80% खाना मुझे बहुत अच्छा और लगा और 20% मुझे थोड़ा एवरेज एंड बिलो एवरेज लगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, दो चीज आपको नोटिस करना होता है, क्वालिटी ऑफ द फूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। काफी रेस्टोरेंट्स पे क्या रहता है ना, वो कॉस्ट कटिंग के लिए ये करते हैं, ये इसमें आप घी ना डालो, इसमें आप डालडा या फिर जो भी रहता है ना अलग अलग चीजें डालते हैं। यहाँ पे मुझे वो नोटिस किया मैंने कि क्वालिटी, जो खाने का क्वालिटी है वो स्टैटिक है, परफेक्ट है, मतलब हमारे जैसे फूडी लोगों के लिए परफेक्ट है। सो आउट ऑफ 10 ओवरऑल आई गिव इट 7.58। मेरा भी सेम है। सेम है, सेम। और तन्नू भाई से पूछ लेते हैं उसका क्या, आप कितना पॉइंट दोगे 10 पॉइंट में? 7। चलो ठीक है, हम तीनों का 7.5 सेम है। तो चलिए अभी हम लोग इस मजेदार खाने का लुत्फ उठाते हैं, और ये मेन क्रेडिट गोज टू भाई जो इतने टाइम से खड़े थे हमें सर्व किए। थैंक यू सो मच भाई, हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं भाई हमेशा रहते हैं हॉस्पिटलिटी के लिए। थैंक्स भाई, चीयर्स टू यू। और अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, होटल आईमा बॉम्बे आ जाना जो मेरे घर के पास, भाई के घर के पास और हमारे दिल के पास। A few moments later. So, ये आप देख सकते हो हमारे इस रेस्टोरेंट के ओनर, थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना कुछ सर्व किया, इतना कुछ खिलाया। और एक चीज बता दू ना, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं हमेशा भाई दिल से खिलाते हैं, और सिर्फ हमें भी, हमें ही नहीं जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना दिल से खिलाते हैं भाई। आउट ऑफ 10 आई गिव इट 7.5 स्टार्स। आप भी आओ यहाँ पे 7.528, क्योंकि यार ये नेक्स्ट लेवल है। खोजाई में आप लोग अगर कहीं खाना चाहते हो, कहीं आना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, यहाँ आ जाओ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग AV, AV साइनिंग ऑफ। बाय बाय।